जो है मेरा प्रोफेसर इराकी साहब, मैडम मुजीब साहिबा, प्रोफेसर फला साहिबा, प्रोफेसर इकबाल अफीदी साहबा, प्रोफेसर अंबर साहबा, प्रोफेसर सकीना साहिबा, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, अस्सलाम वालेकुम। आई हर्ड द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू of different professors. I limit my speech and I speak in Urdu so that everybody must get the message clear. सबसे पहले तो मैं कुछ लेजिस्लेटर की हैसियत से इस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सेमिनार किया। अगर बिल पास अगर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है,
ये जो आप कह रहे हो ना बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्योंकि फिर आपकी नौकरी हर डिपार्टमेंट में खुल जाएगी। आप हमारे जेपीएससी के माइंड मत कीजिए, टेक्निकल बातें मैं कह रहा हूँ, फैक्ट्स हमें बहुत है और हमें जोश करने चाहिए एज अ नेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए अगर अभी आपको नौकरियाँ मिलेंगी वो मेहरबानी की बुनियाद पर, रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर लोगों का भी हक बन जाएगा, पाकिस्तान के आम शहरी का और आपका भी हक बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर रजिस्ट्रेशन हो जाती है और सिंध असेंबली को बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत सी रजिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान में सबसे पहले उन्होंने ही की, तो ये अगर आज पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है कराची, आप उसकी डिपार्टमेंट में हेड है, आप लोग हेड हैं और सिंध यूनिवर्सिटी के भी लोग बैठे हैं, उनको अगर लुक कर रहे सुनाते हैं वो भले अपनी तरफ से तैयार करें, आप अपनी तरफ से तैयार करें, क्योंकि ये बिल जो लेजिस्लेशन बनती है वो कलेक्टिव विजडम के तहत बनती है, दुनिया जाती है, स्टेयरिंग कमेटी भी जाती है, वहाँ एक्सपर्ट जाते हैं, मतामाई करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मगर ये कि ये जो सेक्रेटरी साहबा है शी इज़ वेरी एनर्जेटिक और इसके होते हुए इसकी हो जाए तो अच्छी बात है और इतना बड़ा काम नहीं, थोड़ा अपना टाइम जाएगा। मैं बस आपको मुबारकबाद देता हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद किया, इलाकी साहब को थोड़ा जो है अच्छा मौका दिया है यूनिवर्सिटी को सेटल करने, आज मुझे पता चला कि इनके छोटे भाई हमारे साथ रहे हैं और वो डॉक्टर हैं, उनसे अच्छा रिलेशन रहा है हमारा है अभी भी, तो आप सबसे मुलाकात हुई है और मैं समझता हूँ मुस्तक भी आपके पास है और इसको इस मुल्क को आगे आप लोगों को चलाना है और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उसमें मुझे एनर्जी और तरक्की नज़र आ रही है और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और अपनी स्पेस बनाएंगे और मैं दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ और पेसिमिस्ट नहीं हूँ और ये प्रोग्राम इन्होंने किया है मैं मुबारकबाद दूँ और इन चीज़ों में मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच, आपकी आमद का, आपके वक्त का, आपके अल्फाजों का बहुत बहुत शुक्रिया।